भीतर क्या चल रहा है। सालों पुरानी घटना है। हिमालय में एक बड़े सन्यासी बड़ी साधना करते थे। उन्हें गुस्सा मान माया आदि कषाय कभी नहीं होते थे, ऐसी उनकी प्रसिद्धि थी। और उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आया करते। एक बार एक बड़ा सम्मेलन हिमालय के बाबाओं ने मिलकर रखा था और वहां पर एक बहुत बड़े अध्यात्म योगी कहे जाने वाले एक जैन संत भी पधारने वाले थे। उनकी छाप सभी संतों के मन में बहुत गहरी थी, क्योंकि उनका जीवन भी बहुत गहरा था। उनके जीवन से जुड़े लोगों के जीवन में सिर्फ उनके अस्तित्व से ही चमत्कार होते थे। आखिर सम्मेलन का दिन आया, सभी संत इकट्ठे हुए। सम्मेलन होने के बाद जब सभी संत जा रहे थे, तब उस बड़े सन्यासी ने जैन संत से पूछा कि मुझे आप बताइए ना कि मेरी इतने सालों की साधना के बाद भी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। जैन संत थोड़ा मुस्कुराए और सन्यासी को कहा कि अब तक तुम मिटाने की साधना कर रहे थे, लेकिन अब जरा मिटने की साधना शुरू करो। तुम क्रोध से तो जीत गए हो, लेकिन खुद से नहीं जीत पाए हो। अब खुद से जीतने की शुरुआत करो। सन्यासी जैन संत की बात सुनकर दंग रह गया। जैन संत के चरणों में गिरकर उसने अपने आप को जीतने की साधना शुरू कर दी। समझने जैसी बात यह है कि जो हमें परेशान करते हैं, उन्हें हम मिटाने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण श्री वीर स्तवपयन्ना में कहा गया है कि साधक प्रभु वीर कभी भी संसार में वापस आते नहीं, यानी कि भीतरी संसार से दूर ही रहते हैं। ऊपर से सब शांत है, लेकिन हमारे भीतर क्या क्या चलता रहता है, एक बार शांति से हमें सोचना होगा। खुद की साधना कितनी है वो हमें पता चल जाएगा। जय जिनशासन, जय महावीर।